आपने देखा ये हमने कितनी सारी बातें की हैं, बस कुछ लोगों को हमने मिस किया है जिनकी बात हम अभी तक सुन नहीं पाए, यानी कि आप लोग हमें कॉल करें, हमारे साथ बात करें। मेरी सुंदर सी बीवी के साथ बिल्कुल बात मत करें, क्योंकि मैं खुद करूंगा, क्योंकि ये बीवी सिर्फ मेरी है। तो इसलिए आप फोन करें, मेरे साथ खूब सारी बातें करें, आपकी हर प्रॉब्लम हर परेशानी का हल निकालूंगा मैं, यानी कि बेटा बॉस। और ये है मोना डार्लिंग। एक बार मैं दोबारा बता दूं ना, क्योंकि हमारा फर्स्ट एपिसोड है, लोगों को भूलना चाहिए इनके नाम क्या है। बताइए। बताया तो है, मैं हूं बेटो बॉस और ये है मोना डार्लिंग, और डार्लिंग सिर्फ मेरी। ये इस बात को अंडरलाइन कर लेना, कहीं खुद फोन करके ये मत कहना डार्लिंग से बात करवाओ। वैसे ना ये कभी कभी ना टूर पे जाते हैं तो तब आप मेरे को बोल सकते हो। सुअर पे कौन जाता है? नहीं, टैप नॉट लिख ले अपना यकना ना, यब लाग लिख ले स्टेप लॉक करो अपनी। कीप नहीं नहीं वापना रहता अपना नु क्या अपना है। टैप नहीं लिख ले अपना, ये अपना लॉप स्ट्रैप नहीं करना अपना, अपना स्ट्रैप ना किशप नॉम ब्रिम ब्रिम लॉप स्ट्रैप पा। तो आप लेके कोले को अपने सील के लेने आलू लेके चिकन कोले लेने मेरे को लेने कोले लेने यानी मांग कोले लेने आलू लेने मेरे को लेने कुछ कोले लेने कुछ कोले लेने ओ पिक ना ले ये अपनो पिक नहीं पिक नहीं पिक नहीं ये अपना ना कापना नहीं जिस टापना नुमरा अपने नहीं ये करा अपने चिकनी नहीं ली लिया ये अपना ये बना बना अपना अपना नहीं कापना नहीं नहीं ना ब्रस हाँ ये अपना ना अब बात नहीं आई इसको, इस बात का जवाब होता ही नहीं है इसके पास कभी भी। चलो जानू तुम्हें ऐसे गुस्सा क्यों करती होती है। हट जाओ मेरे से दूर। दूर क्यों हट जाओ, तुम्हें प्लेग हुआ है? चुप करो। अच्छा डार्लिंग ऐसे देखो, हमने जब से आए हैं एपिसोड शुरू हुआ है लड़ रहे हैं, एक दूसरे झगड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ मूड लाइट करो ना। बिल्कुल मूड लाइट करूंगी ना आपकी राशि बढ़ के, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप आज ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हो, और मैं तो आपकी राशि स्पेशली लिख के लाती हूँ, डेंगू राशि। डार्लिंग मैं ज्यादा गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं आज ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यू नो न्यू शो न्यू चैनल जस्ट हिंदी आगे हम आपको लगता है आगे हमारे साथ किसी ने हिंदी में बात की है? जिसने भी हिंदी में बात की है उसने बात नहीं गाली निकाली है मेरे को, तो आज हमें हिंदी में बात करने का मौका मिल रहा है, तो हम क्यों ना करें। हाँ पढ़ क्या राशि पढ़ो जरा पढ़ के बताओ सबको। चला क्या हूँ इनकी राशि में ये लिखा हुआ है कि आज ये बिना मुंह धोए आए हैं। क्या बात है, ये तो वैसे रोज ही नहीं करते, आज पहली बार नई बात के टब में पानी खत्म हो गया था। झूठ बोल रहे हैं, इतना बड़ा टब है जिसको मैंने इतना भर के रखा हुआ था उससे ही मुंह धुलेगा, क्योंकि जितना का फेस उतना का पानी तो चल ही जाएगा। इतना बड़ा टब है तो शर्म से डूब क्यों नहीं जाती? हाँ तभी तो आपके लिए चुल्लू भर रखा था कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो ऐसा ना करें, उस टब में इकट्ठे डूब जाते हैं। वैसे ना मेरे को टब में डूबने से याद आया, समंदर मॉरिशियस। तुमने समंदर पर कभी बंदर देखा? हाँ देखा था। वो तो मैं पिछली बार गया था, और कोई बात बताओ, वो पिछली बात छोड़ दो, वही बात है। और किसी को देखा था? हाँ देखा था। अच्छा आपके डैडी। मेरा डैडी क्या बोला? आपके अच्छा डैडी। वो वाली टाइम पे वो जब बंदरिया थी साथ में। हाँ हाँ मम्मी, आपकी मम्मी, मेरी नहीं थी उस दिन, मेरी मम्मी कहीं गई थी तो आपकी मम्मी कहती मैं चलूंगी साथ में। हाँ, और मेरे को मम्मी बोले कि मैं ना थोड़े दिन के लिए अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, इसका मतलब वो आपके हाँ तो ये वही घूम रहे थे। बहुत इज्जत दे रहे ना अपने माँ बाप को यहाँ पे शो में, और बताओ लोगों को क्या कितनी इज्जत करते। तुम राशि पढ़ रही थी, मेरी राशि पढ़ो। हाँ और बताओ, देखो अभी तो मतलब शो कर रहे हैं, शो के बाद मेरा इतना सारा दिन पड़ा, वहां पर मैं कैसे क्या करूंगा वो बताओ जरा। हाँ अरे वाह, उन्होंने कहा कि ब्लैक कलर का आप आज रंग पहन के, आई मीन ब्लैक कलर का, सच में लिखा हुआ है? बस ऐसे ही मेरे मन में आया सुबह सुबह कि क्यों ना आज मैं मुंह काला सॉरी काला कपड़ा कुछ पहनूं, तो मैं ऐसा पहन के आया तो मुझे लगा अच्छा स्मार्ट लगूंगा। अच्छा और क्या लिखा है? कि जैसे ही आप ब्लैक पहनोगे आपके दे थप्पड़ ते थप्पड़ दे थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ेंगे। अच्छा ये लिखा है कहाँ पड़ेंगे थोड़ा बताना? नहीं वो थोड़ा सा ना हल्का लिखा हुआ है, मेरे को ही नजर आ रहा है, आपको आएगा नहीं। जगह का पता चल जाता तो मैं आज इग्नोर ही कर देता, पर पता नहीं कहाँ पड़ेंगे। क्या हुआ इसमें तो लिखा हुआ है? वो बात छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, इसमें लिखा हुआ है आपकी लाल रंग की जीप बाहर आ जाएगी। अच्छा चलो उसमें तो पता नहीं लिखा नहीं, तुम्हारे लिए निकाल लेता हूँ, ये लो आ गई लाल रंग की जीप बाहर। ये ना अपनी तरफ से राशियां मना लेती है मुझे लगता है।
राशि रुशि में कुछ नहीं होता, खुद जो इंसान ने करना होता है ना, खुद अपनी मेहनत से अपने हिम्मत से करता है वो। राशि पढ़ के चल जाते हैं, अगर राशि में लिखा हो कि आपका सारा दिन वेस्ट जाएगा तो बंदा पहले सोचता चलो वेस्ट ही जाना, तो घर पे बैठे रहते हैं। तो यह नहीं पढ़ना चाहिए, समझ आई? नहीं, क्यों हम झगड़ा कर रहे हैं, क्यों, वाई? मैं चाहता हूँ कि कुछ गाना सुनाओ ना, अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से लोगों से दर्शकों से इजाजत ले लेंगे। हाँ। मैं चाहता हूँ कुछ यू नो कुछ अच्छा सा रोमांटिक सा गीत सुनाओ, कुछ मौसम बहार गुलिस्तां, कुछ सुनाओ। ठीक है। हाँ। आप थोड़ा इधर आएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वाह, एक हाथ आप सर पे रखिए, मुझे डेडिकेट कर। अच्छा, मुझे डेडिकेट कर। आई लव माई वाइफ, आई लव माई वाइफ, मतलब प्यार भी इतना करती है ना, बस जताती नहीं है। अब प्लीज प्लीज, क्या करूं? एक हाथ आप अपने सर पे रखिए। या श्योर श्योर। दूसरा कमर पे। आहा। और हल्की सी कमर टेढ़ी कर लीजिए। आहा। अब मैं गाऊंगी। आहा। हाँ, जब तक है जान जाने। तुमने फिर घुमाकर उधर ही ले लिया, फिर घुमाकर वो कोई ऐसा नहीं गा सकती थी। इंग्लिश ठुम के मारे जम जम के आगे ने जम देसी बॉयस। ऐसा करो ना देसी बॉयज जैसे, यू नो लुक देखो मेरी, कितना हैंडसम हूं, कितना स्मार्ट हूं। बिल्कुल सेम लुक जैसे। सड़क पे पड़ती है ना। अरे वो डंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डंबर। मैंने तो आपके साथ रहना ही नहीं है, मैं तो अपनी बुआ के घर चली जाऊंगी मॉरिशियस, देखना आप तो यही बेगलोगे। सच बताओ वो माहलपुर है, मॉरिशियस नहीं है। लोगों को झूठी तसल्लियां मत दोगे, तुम्हारा कोई बाहर भी रहता है, अमृतसर के आगे कोई भी नहीं रहता तुम्हारा। एक रहता था अटारी, उनको भी उठा दिया कि बॉर्डर के पास पास नहीं रहना, मॉरिशियस जाना बुआ के पास। क्यों मतलब डार्लिंग, एक तो ये ना मैंने देखा लेडीज के पास ना ये स्पेशली एक बाण होता है लास्ट में चलाने वाला, रोने वाला। इनको पता है जहां गलत हो जाए ना वहां पे रो दो जल्दी जल्दी, क्योंकि हस्बैंड का जो दिल है वो तो पसीज ही जाएगा। पहले वैसी हरकतें करो ही मत। चलो मैं सुनाता हूं तुम्हारे लिए एक गाना। वाह, सुनना जरा गौर से जी। इन आँखों की मस्ती के आ, इन पर मैं तुम्हारी आंखें देख रहा हूं, बात बन नहीं रही, गाना चेंज कर देते हैं। अच्छा गाना गाते हैं आपके लिए, कौन सा गाना गाऊं? ये इंडस्ट्री ने मुझे लगता है तुम्हारे मुंह के जैसे गाने बनाए ही नहीं है। मुझे लगता है कि शायद जब से तुम्हारा मुंह देख लिया किसी इंडस्ट्री वाले ने, जब तुम स्ट्रगल करती थी, वो लिरिक्स राइटरों ने सभी ने पेन छोड़ दिए अपने। हाँ। तो लैपटॉप पे लिखने शुरू कर दिया है। हाँ। पर जब तुम्हारा चेहरा सामने आता होगा ना, मुझे लगता कोई लाइन बनती है, इसलिए मुझे भी कोई गाना नहीं आया। लेकिन डार्लिंग टेंशन मत लेना, तुम्हें पता है मैं कल आ रहा हूँ ना। हाँ। अभी तो मैं टूर पे दो दिन बाद जा रहा हूँ। हाँ, कल मैं तुम्हारे साथ फिर ऑफिस में आऊंगा, लेकिन एक बात बिल्कुल दिमाग में याद से रखना कि जब मैं टूर पे जाऊँ, तुम्हें पता है मैं कभी अमेरिका इंग्लैंड, कभी केरला, कभी तरन तारन मालपुर पिखीविंड, यहाँ मैं जाता रहता हूँ, तो ये बात का ख्याल रखना कि पीछे ऑफिस में जितने भी फोन आए सबकी प्रॉब्लम्स का हल करना चाहिए। और जब मैं लास्ट में आके तुमसे रिपोर्ट लूंगा तो मुझे एक भी शिकायत तुम्हारे खिलाफ नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। नहीं तो तुम्हारी सैलरी तो मैं काट ही लूंगा, काट लूंगा मैं सैलरी सारी, समझ आई? हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, सही, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना जी। हाँ, अच्छा अब तुम कोई अच्छा सा गीत सुना दो फिर। हाँ ये अच्छा, ये यहाँ से शुरू कर दू, कल सुनाओ। ये तो अलाप है। कौन है अलाप, कहाँ से आया अलाप, का नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये अलाप होता कौन है तुम अलाप, तुम्हारे क्या चल रहा है अलाप के साथ तुम्हारा? अलाप अलाप अलाप, म्यूजिक चल रहा है उसका। अच्छा मैं वही कहूँ तो म्यूजिक वाला लाप है। हाँ अच्छा सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ये बंदर बड़े काम का बंदर, नाचो ना बड़े काम का बंदर। आप ना जब ऐसे डांस करते हो ना मेरे को बहुत क्यूट बंदर लगता है। मैं डांस नहीं कर रहा, मैं लोगों को ये बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ और उस कहावत को सही कर रहा हूँ कि शादी के बाद पति तो सिर्फ उंगलियों पे नाचते हैं, इसलिए नाच रहा था मैं। ऐसे मत करो, कब तक मेरी जिंदगी तुम खराब करती रहोगी, कब मुझे एक रिलैक्स की सांस आएगी? मुझे लगता है थाईलैंड जाऊंगा तब भाई। हाँ हाँ, तो वो मैं देखूंगा। तो दादी क्यों क्यों ऐसी बातें करती है,
क्या हम प्यार से नहीं रह सकते? रह सकते हैं। क्या हम इकट्ठे नहीं रह सकते? रह सकते हैं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं। मेरा मतलब मैं हाँ करती हूँ, लेकिन जब कोई गोल्ड की चीज आप मेरे को देते हो तब। चलो डार्लिंग, मैं तुम्हें इतना गोल्ड दूंगा कि आने वाली गोल्ड फिल्म भी नहीं देख पाओगी तुम। इतना गोल्ड दे दूंगा, ठीक है? और डार्लिंग तुम प्लीज मुझसे लड़ा ना करो। तुम्हें पता ना, जब तुम मुझसे झगड़ा कर लेती हो तो फिर मैं जब टूर पे जाता हूँ तो मेरा नहीं लगता सच में। अच्छा, यही जो आपके बहाने हैं ना, सबको दिखाने हैं मुझे। हर बार आपने आना है और इनकी हरकतों को देखना है, बिकॉज ये कभी नहीं समझते। चलो लो, कर लो।